देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। पिछले दिनों उत्तराखंड राज्य में सहारनपुर जिले को मिलाने की अटकलों के चलते राज्य आंदोलनकारी मंच के नेता प्रदीप कुकरेती ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आक्रोश जताया। उनका कहना है कि राज्य निर्माण को 18 वर्ष बीतने पर भी आज तक 13 जिलों में विकास तक नहीं हुआ, चाहे किसी भी सरकार के मंत्री रहे हो। वहीं अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को उत्तराखंड में मिलाने से राज्य पर और अधिक भार पड़ेगा, क्योंकि सहारनपुर का घनत्व काफी बड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो राज्य भर में आंदोलनकारी सड़कों पर उतर प्रदर्शन करेंगे। कुछ मंत्रियों, खासकर मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से उत्तराखंड की जन भावनाओं के साथ, उन शहादतों के साथ किसी ने भी अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करी किसी भी सीमा के साथ, तो तमाम जन आंदोलन के लिए जनता यहाँ उतर पड़ेगी। जिस प्रकार 9.5 जिलों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, एक तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा है, आप इसका मतलब ये लगता है कि जनप्रतिनिधि इन 3 जिलों से उग चुके हैं, उन्हें अपने घूमने के लिए बाकी के 3 जिले करने हुए। क्या बाकी के 13 जिलों में विकास हो चुका है? इन्होंने ऐसे क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली कि ये विकास की दौड़ वहाँ तक ले जाने वाले हैं? वहाँ पहले ही जनसंख्या का इतना घनत्व है, दबाव है, और आप जो है हमारी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि यदि अभी भी वो न संभले तो वो शहादत देने के लिए राज्य आंदोलनकारी दोबारा तैयार है कि जिस प्रकार से वो यहाँ उत्तराखंड की सीमाओं से छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।